आज सीओ यहाँ पे वो आ जाते हैं तो अच्छी बातें नहीं, तो अगला मंगलवार को हम लोग गेट बंद करेंगे, ताला मारेंगे। जब अंचल अधिकारी यहाँ है ही नहीं तो फिर ब्लॉक खुला रहने से क्या फायदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंचायत न्यूज में। आज हम खड़े हैं बड़कागांव प्रखंड में मेन ब्लॉक में, जहाँ से कुछ समस्याएं हमें सुनने में आई थी। तो आज बड़कागांव के युवा समाज सेवा सोनू जी कुछ बात बताएंगे, तो चलिए आज देखते हैं कि सोनू जी क्या बात करते हैं ब्लॉक की समस्याओं को लेकर। तो चलिए आज बात करते हैं कि बड़कागांव प्रखंड में जो ब्लॉक है वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है और क्यों बैठे हैं आज ये लोग। तो चलिए सोनू जी, सबसे पहले ये पंचायत चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग बड़कागांव प्रखंड परिषद के बाहर में जो बैठे हैं, हमारे बड़कागांव प्रखंड के 23 पंचायत के सभी बुद्धिजीवी लोग, हमारे गार्जियन लोग आए हुए थे। आज इस बैठक का मेन उद्देश्य यही है कि हमारे बड़कागांव प्रखंड में 23 पंचायत है, 84 मौजा का जो अंचल कार्यालय वहाँ पे आज 8 महीना से अंचल अधिकारी नहीं रहने के कारण हर काम बाधित है, जिससे यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है, यहाँ के बच्चे काफ़ी परेशान हैं। बार बार हमको ये शिकायत मिलती है कि आज जातीयवासीय नहीं बन रहा है, तो जमीन संबंधित काम रुके हुए, तो जनता का जो समस्या, उस समस्या को लेकर हम लोग शुरू से ही आवाज़ उठा रहे, चाहे वो DC के पास हो। हमने आज से 3-4 महीना पहले DC को भी लेटर लिखे थे, ग्रामीण विकास मंत्री को भी हमने अवगत कराया, हमने जाके प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री को भी बताया कि हमारा बड़कागांव प्रखंड में है, वहाँ पे CO नहीं है। CO नहीं रहने के कारण यहाँ पे बहुत सारे काम बाधित है, जिसके लेकर हमने बार बार आवाज़ उठाते हुए आया, मगर आज 8 महीना प्लस होने के बाद भी हमारी बात को संज्ञान में कोई नहीं ले रहा, इससे काफ़ी दुखित हूँ। और हमारा जनता का कोई भी काम हो, जनता का अगर काम नहीं होता तो बहुत नाराजगी होता है। इसके लेकर आज हम लोग एक बैठक रखे थे और इस बैठक से कह देना चाहते हैं, अगर एक सप्ताह के अंदर आपके चैनल के माध्यम से अगर अधिकारी और सरकार जाग जाती है, अगर आज CO यहाँ पे वो आ जाते हैं तो अच्छी बातें नहीं, तो अगला मंगलवार को हम लोग गेट बंद करेंगे, ताला मारेंगे। जब अंचल अधिकारी यहाँ है ही नहीं तो फिर ब्लॉक खुला रहने से क्या फायदा। तो हम लोग एक सप्ताह का समय दे रहे हैं इस बैठक से, अगर एक सप्ताह में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगला मंगलवार को हम लोग ब्लॉक परिषद में ताला मार देंगे, अंचल कार्यालय बंद कर देंगे। चलिए आप क्या बोलना चाहेंगे, आपका नाम बताइए। पंचम कुमार, कांड तरी से, मध्य जिला परिषद के प्रतिनिधि। जैसे कि अभी सोनू जी ने बताया, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे। एकदम सही बता रहे हैं, 8 महीना से पूरे जनता अस्त-व्यस्त हैं, जाति आवासीय रसीद जितना चीज़ है CO के काम, वो पूरे बाधित हैं, एक भी काम नहीं हो रहा है। इससे हम कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द CO यहाँ आवे, और नहीं आने पर धरना दिया जाएगा, गेट बंद किया जाएगा। जैसा कि अभी सोनू जी बताए कि 8 महीने से CO नहीं है, तो क्या बोलना चाहेंगे आप उसके बारे में। सोनू जी की प्रयास अच्छी है, बड़कागांव में अंचल अधिकारी 8 महीने से विगत नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता हूं कि अब जल्द से जल्द यहां पर CO को भेजा जाए। CO नहीं है तो BDO को काम दे दिया गया उनका, तो उनके पास काम का लोड ज़्यादा है, ऑलरेडी ज़्यादा है, तो वो दोनों काम कैसे करेंगे। प्रखंड विकास का पदाधिकारी यहाँ का जो है जितेंद्र कुमार पांडे जी, वो यहाँ पर CO का पदभार लिए हुए हैं, लेकिन जनता के लिए काम नहीं करते हैं, CO का काम नहीं करते हैं। वो कहते हैं आएंगे तब करेंगे, बहाना करके जो है सो जनता को दौड़ाते रहते हैं। नया CO आएंगे, कुछ काम करेंगे, नहीं काम करेंगे CO तो हम लोग आंदोलन करेंगे। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, जिला कांग्रेस कमेटी महासचिव पंकज गुप्ता, सरकार हमारी है, सरकार के से मांग करता हूं कि CO भेजा जाए यहां पर। ज़मीनी लेवल का कोई भी काम बगैर CO के नहीं हो पा रहा है, ये काफ़ी दुर्घटना में आदमी ये है। अब समझिए कि समय दे करके काम आता है, ब्लॉक में कोई काम होता ही नहीं है। अब जो है मजदूर आदमी है जो समय दे करके आता है, उसका इधर भी काम नहीं हो रहा है, उधर मजदूर भी चला जा रहा है, इससे काफ़ी आपत्ति आ रहा है। इसको जल्द से जल्द सरकार को हमारे यहाँ CO को भेजने की काम करें।